झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। सोमवार 29 अप्रैल को उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। उनके साथ विधायक बेबी देवी, विधायक विनोद सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद रहे। गांडे विधानसभा में 20 मई को लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। यह सीट पहले से ही जेएमएम के पाले में थी। यहां बता दें कि राज्य की राजनीतिक उठापटक के बीच दिसंबर 2023 में गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर कल्पना सोरेन का मुकाबला बीजेपी के दिलीप वर्मा से होगा। जनवरी महीने में झारखंड की सियासत में आए भूचाल में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से यह तय माना जा रहा था कि इस सीट पर कल्पना को मैदान में उतारा जाएगा। दिलीप वर्मा बीजेपी में कई पदों पर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष का दायित्व भी निभाया है। वे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी भी हैं। जेएमएम के भीतरी खेमे में यह भी आवाज उठ रही है कि अगर कल्पना गांडे उपचुनाव जीतती हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में अगर जेएमएम पार्टी में अगर सब कुछ ठीक रहा तो पार्टी कल्पना को अपना विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री पद पर बैठा सकती है। इंडिया गठबंधन के सारे दल मौजूद है, ये एकता और चुनाव में किस रूप में सामने आएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का नाम से ये बता सकते हैं, इंडिया भारत गठबंधन है, तो पूरी मजबूती के साथ हम यहाँ पे भी खड़े हैं, झारखंड राज्य में भी खड़े हैं और देश में भी हर एक कोने में लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराएंगे।